कैट इन अ हैट, कैट इन अ हैट। वर्ड्स टू नो, हाउस अ बिल्डिंग वेयर अ पर्सन फॉर अ फैमिली लिव्स, लिटिल नॉट बिग। हाउस मीन घर, लिटिल छोटा। टाउन कस्बा, अ प्लेस वेयर देर आर लॉट्स ऑफ हाउसेस, शॉप्स एंड अदर बिल्डिंग्स। यू कैन नोट वर्ड्स मीनिंग्स फ्रॉम हेयर। हैट, टॉप, वेयर, कहाँ, गोइंग, जा रहे हैं, ये जा रहे हो, ये जा रही हैं। टाउन, कस्बा, ये शहर। गेट, हासिल करने या लेने। व्हाट, क्या। हूएवर, किसने, जो भी या जो कोई, हर कोई। सा, देखा। लिटिल, छोटा। सिट, बैठा या बैठना। लॉग, लकड़ी का कुंदा या सोहता, या इसे हम लट भी कह सकते हैं। फाइंड, ढूंढना, तलाश करना। हाउस, घर। वेयर आर यू गोइंग माई लिटिल कैट? आई एम गोइंग टू टाउन टू गेट मी अ हैट। व्हाट अ हैट फॉर अ कैट? अ कैट गेट अ हैट? हूएवर सॉ अ कैट विद अ हैट? दीज आर वेरी ब्यूटिफुल लाइन्स। सो वेयर आर यू गोइंग माई लिटिल कैट? मेरी छोटी बिल्ली, मेरी प्यारी बिल्ली, तुम कहाँ जा रही हो? आई एम गोइंग टू टाउन टू गेट मी अ हैट। मैं कस्बे की तरफ जा रही हूँ अपने लिए हैट लेने। व्हाट अ हैट फॉर अ कैट? अ कैट गेट अ हैट? क्या एक हैट, एक टॉप बिल्ली के लिए? एक बिल्ली टॉप पहनेगी। हूएवर सॉ अ कैट विद अ हैट? किसने बिल्ली को टॉप के साथ देखा है, या किसने बिल्ली को टॉप पहने हुए देखा है? सो इन उर्दू दीज आर नॉट इन रिदम, बट इन इंग्लिश इट लुक्स वेरी रिदमिक। द नेक्स्ट इज डॉग। द डॉग हु इज सिटिंग ऑन द लॉग। वेयर आर यू गोइंग माई लिटिल डॉग? मेरे डॉगी, आप कहाँ जा रहे हो? आई एम गोइंग टू टाउन टू सिट ऑन अ लॉग। मैं टाउन की तरफ जा रहा हूँ, कस्बे की तरफ जा रहा हूँ लॉग पे बैठने के लिए। मैं एक लकड़ी के सोहते पे बैठने जा रहा हूँ। लकड़ी का एक बड़ा सा सोहता है, या लकड़ी का एक बड़ा सा हिस्सा है, मैं उस पे बैठने जा रहा हूँ। व्हाट अ लॉग फॉर अ डॉग? अ डॉग गेट अ लॉग? क्या एक लॉग, एक लकड़ी का तख्ता, लकड़ी का कुंदा डॉग के लिए, और डॉग एक कुंदे पे बैठेगा, लकड़ी के तख्ते पे बैठेगा, एक लकड़ी पे बैठेगा। Whoever saw a dog on a log? किसने डॉग को एक लकड़ी पे बैठे हुए देखा है? Now the next lines are about a mouse who is going to the town to get a house. Let's see what is in it. Where are you going, my little mouse? मेरे छोटे माउस, चूहे, आप कहाँ जा रहे हो? I am going to town to find me a house. मैं टाउन जा रहा हूँ, कस्बे को जा रहा हूँ अपने लिए एक घर देखने, या अपने लिए एक घर तलाश करने। What a house for a mouse? क्या एक घर माउस के लिए, चूहे के लिए? A mouse find a house? एक चूहा घर तलाश कर रहा है। Whoever saw a mouse in a house? किसने माउस को, चूहे को, एक घर में रहते हुए देखा है? I did, मैंने। So here mouse is going to find a house for him. Exercises understanding the poem. Talk about the following with your teacher and then write the answers. Number 8. Why do you think the cat is going to town? आपको क्यों लगता है, आप क्या सोचते हैं कि बिल्ली टाउन क्यों गई थी, कस्बे में क्यों गई थी? The cat is going to the town to get a hat for her. बिल्ली टाउन इसलिए गई थी कि वो अपने लिए एक हैट खरीद के ला सके। नंबर बी, इज द स्पीकर सरप्राइज्ड? क्या स्पीकर, या फिर जो इस पोएम में बोल रहा है, वो हैरान हुआ है ये सब कुछ सुनकर? हाउ कैन वी टेल, हम कैसे बता सकते हैं, या किसको कैसे एलैबोरेट कर सकते हैं? यस, द स्पीकर इज सरप्राइज्ड बिकॉज नो वन सी एवर अ कैट इन अ हैट, क्योंकि किसी ने एक कैट को कभी हैट में नहीं देखा। अ डॉग ऑन अ लॉग, या फिर एक डॉग को लॉग पे बैठे नहीं देखा, लकड़ी के फट्टे पे बैठे नहीं देखा। आर अ माउस इन अ हाउस, या फिर किसी माउस को, चूहे को, एक घर में, या फिर घर तलाश करते हुए जाते नहीं देखा। सो द स्पीकर इज सरप्राइज्ड। वी आल्सो कैन राइट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन लाइक दिस। यस, द स्पीकर इज सरप्राइज्ड बिकॉज नो एनिमल्स गो टू द टाउन टू गेट सच थिंग्स फॉर देम।
as had or house. स्पीकर इसलिए हैरान है क्योंकि कोई भी जानवर कस्बे या शहर में नहीं जाता अपने लिए चीज़ें खरीदने या फिर अपने लिए चीज़ें हासिल करने नहीं जाता. किस किस्म की चीज़ें जाता एज हैड और माउस, जैसे कैट हैड लेने के लिए जा रही थी, माउस अपने लिए हाउस लेने जा रहा था और डॉग लॉग पे बैठने के लिए जा रहा था. नंबर डी, हैव यू एवर सीन अ माउस इन अ हाउस. क्या आपने कभी एक माउस को, चूहे को एक घर में रहते हुए देखा है कि वो अपने लिए घर खरीदे और उसमें रहे. नो, आई नेवर सीन अ माउस इन अ हाउस बिकॉज माउस लिव्स इन अ होल. क्योंकि माउस हमेशा होल में अपने बिल में ही रहते हैं. वर्किंग विद वर्ड्स. नंबर वन, ट्राई टू ऐड सम लाइंस टू द पोएम. हैन, वेयर आर यू गोइंग माई लिटिल हैन. आई एम गोइंग टू टाउन टू गेट मी अ पेन. वट अ पेन फॉर अ हैन. अ हैन गेट अ पेन. हु एवर सॉ अ हैन विद अ पेन. सेम लाइक दिस यू कैन आल्सो ऐड विद अदर एनिमल्स. Number two, here are some animals. Can you think of rhyming words for these animals? So हमने poem में कुछ lines और add करनी है. We can use these animals for to add lines in the poem. Fox, sparrow, fish, snake, rat, bear, hen. But we have to need rhyming words for them. How we'll add the lines in poem to poem. So on the next page there are some pictures that can help us. So for fox we use the rhyming word box, for sparrow we use the rhyming word arrow, for snake we use the rhyming word cake, for hen we use the rhyming word pen, for bear we use the rhyming word chair, for rat we can use the rhyming word mat and fur. And for fish, we can use the rhyming word dish. Find the correct words. The letters are jumbled. So the first one is nets, N-E-T-S, nets. Second, yak, Y-A-K, yak. Third, K-I-T-E, kite. B-O-O-K, book. T-I-N, tin. Z-O-O, zoo. P-E-N, pen. V-E-S-T, west. M-A-T, mat. R-A-T, rat. Jeep, man. S-N-A-K, snake. Window, umbrella. Make some puzzles of your own like those in exercise B3. Ask a friend to find out what the word are. What is this word? T-A-B-O. It's a boat. We also can make the picture for these words.